सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उदित भगवान भास्कर को अर्ध के साथ ही संपन्न हुआ सूर्य उपासना का महापर्व डाला छठ, घाटों पर हुई भारी भीड़। वर्षों से लंबित समस्याओं के निराकरण न होने से क्षुब्ध डिप्लोमा इंजीनियर्स का शास्त्री घाट पर धरना प्रदर्शन। प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल आगामी विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर उतारेगा अपना प्रत्याशी। और 100 साल के बाद मां अन्नपूर्णा की मूर्ति विदेश से लाए गई भारत, दिल्ली से काशी के लिए रवाना, 14 नवंबर को पहुंचेगी काशी। और अब समाचार विस्तार से। उदित भगवान भास्कर को आरती के साथ ही सूर्य उपासना का महापर्व डाला छठ व्रत समाप्त हुआ। इस अवसर पर घाटों पर भारी भीड़ उमड़ी। सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर वाराणसी के घाट आस्था से सराबोर हो गए। भगवान भास्कर के उदित होने से पहले ही हजारों की संख्या में लोग घाटों पर पहुंच चुके थे। जैसे ही सूरज की रश्मियां धरती पर पहुंची, व्रती महिलाओं ने सूर्य देव को अर्ध चढ़ाकर परिवार की मंगल की कामना की। गुरुवार को लोक आस्था के महापर्व डाला छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान गुरुवार को पूर्ण हो गया। व्रतियों ने अर्ध के बाद प्रसाद से पारण कर संतान, परिवार व समाज के मंगल की कामना की। शहर से लेकर गांवों तक तालाबों व पोखरों के किनारे घाट बनाकर छठ पूजन का भव्य आयोजन किया गया था। भोर में 4 बजे से ही श्रद्धालुओं के घाट पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। करीब 6:15 बजे सूर्योदय होते ही पहले ही हाथ जोड़कर खड़े व्रतियों व श्रद्धालुओं ने दिव्य दर्शन किया। व्रतियों ने पुरोहित से वैदिक मंत्रों के बीच उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। माताएं बहनें ध्यान दें, पानी में नहीं उतरेंगी। पानी बहुत गहरा है, डूबने की संभावना है। बैरिकेडिंग के उधर है आप लोग, जो ये लाल रंग से बैरिकेडिंग की गई है। पंडाल में भी देखी जाए जिससे कि हम लोग आगे का कर्तव्य का पालन कर सके। छठ माता का पर्व है। 3 दिन रहते हैं हम लोग, पुत्र के लिए, पति के लिए, अपने परिवार की सलामती के लिए व्रत किया जाता है। जिसकी जो मनोकामना रहती है वो पूर्ण होती है, अपनी इच्छा लेके ये व्रत रखता है। जिसका पूरा होता है वो भी रहता है। ये 4 दिन का व्रत है। पहला दिन लौकी चावल, दूसरा दिन खीर पूड़ी, तीसरा दिन पालक डाला छठ है, दूसरा दिन अलग है बेटे के लिए बनाया जाता है। बहुत माननीय है, बहुत ज़्यादा जो मानिए वो पूरा होता है, मांगिए वो पूरा होता है। इसमें क्या क्या करती हैं आप लोग? व्रत रहते हैं 3 दिन का, एक दिन लौकी भात खा के, दूसरे दिन खरना करते हैं, तीसरे दिन छठ पूजा करते हैं। ये सुबह का अर्घ दिया जाता है इस समय, इसका बहुत बड़ा महत्व है। अपने घर परिवार की शांति के लिए, सुख के लिए छठ माता का व्रत रहा जाता है। मनोकामना पूरा होने पर और बढ़िया से कोशिश भी भर के श्रद्धा से गंगा जी के किनारे आके हम लोग पर्व करते हैं। प्रकृति की आराधना और उसे सहेजने के लोक पर्व डाला छठ पर नमामि गंगे ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। प्रकृति की आराधना और उसे सहेजने का लोक पर्व डाला छठ पर नमामि गंगे ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। जनमानस में प्रतिदिन नई ऊर्जा का संचार करने वाले भगवान सूर्य नारायण की पहली किरण को अर्घ्य देकर आरती उतारी। उगते सूरज को जल देने के लिए उपस्थित हजारों श्रद्धालुओं को लाउड स्पीकर से सूर्य और जल की महत्ता बताई गई।
मनुष्य और प्रकृति को एकाकर करने वाले छठ महापर्व पर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दोहराया। नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने की प्रेरणा के पर्व पर प्लास्टिक मुक्त पर्यावरण की अपील की। सूर्य वंदना या छठ पूजा को पर्यावरण संरक्षण, रोग निवारण व अनुशासन का पर्व बताते हुए संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि छठ पूजा का अनुपम पर्व प्रकृति से और प्रकृति की उपासना से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। कहा कि आज जब पूरा विश्व बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से जूझ रहा है, इसमें मुक्ति के लिए पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है। छठ पर्व मनुष्य को प्रकृति से जोड़ने का त्यौहार है। यह पर्व हमें सामाजिक समरसता का भी पाठ पढ़ाता है। हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि माँ गंगा की स्वच्छता भी बहुत जरूरी है। यह पर्व हमको पर्यावरण के संरक्षण का भी एक संदेश देता है और इस पर्व की महत्ता प्रकृति से जुड़ी हुई है। यह पर्व हमको प्रकृति से प्रेम करने का भी संदेश। इस अवसर पर प्रमुख रूप से नमामि गंगे के महानगर संयोजक राम प्रकाश जायसवाल, महानगर सह संयोजक शिवम मैकरहरी, सारिका गुप्ता, प्रीति जायसवाल, रश्मि साहू, विजेता ससदेवा, रंजिता गुप्ता, भावना गुप्ता, स्वाति जायसवाल, मंजू जायसवाल, कंचन मिश्रा, पूजा मौर्या, पारुल गुप्ता, संध्या सिंह, प्रज्वल गुप्ता उपस्थित रहे। वर्षों से लंबित समस्याओं के निराकरण न होने से क्षुब्ध डिप्लोमा इंजीनियर्स का शास्त्री घाट पर धरना प्रदर्शन हुआ। पुरानी पेंशन बहाली सहित 22 सूत्रीय मांगों को पूर्ण करने पर बल दिया गया। वाराणसी के शास्त्री घाट पर डिप्लोमा इंजीनियर के वर्षों से लंबित समस्याओं के निराकरण न होने के कारण एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। अजय कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर घोषित संघर्ष कार्यक्रम के अंतर्गत आज एक दिवसीय धरना वाराणसी जनपद में किया गया। विभिन्न विभागों की सिंचाई, लोक निर्माण विभाग, जल निगम, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लघु सिंचाई विभाग, नगर निगम, सेतु निगम इत्यादि विभागों के सैकड़ों डिप्लोमा इंजीनियर सदस्यों द्वारा शास्त्री घाट वर्णा पुल पर एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम संपन्न हुआ। सदस्यों द्वारा एक स्वर से डिप्लोमा इंजीनियर की प्रमुख मांगे, प्रारंभिक ग्रेड पे 4800 प्रोन्नत पद के वेतनमान प्रदान किए जाने, वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किए जाने, पेट्रोल के बराबर वाहन या देने, जल निगम में सुनने की गई नीतियों को पुनः बहाल किए जाने व गैर तकनीकी गैर विभागीय कार्यों से मुक्ति रखने व 20 वर्ष की सेवा पर 70% पदोन्नति प्रदान किए जाने एवं सफेद गैलरी देने वाली 22 सूत्रीय मांगों को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करने पर बल दिया गया। सदस्यों द्वारा डिप्लोमा स्वर की नियुक्ति, मार्गों पर सचिव स्तर की सहमति बन जाने के उपरांत भी समाधान न किए जाने पर रोष प्रकट किया गया। हमारी यही मांग है कि हमें जो 4800 ग्रेड के जो हमारी शासन द्वारा एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई थी, उसने उनका अनुमोदन किया था, उसको लागू किया जाए, उसका शासनादेश जारी किया जाए और हमारी पुरानी पेंशन सहित अन्य लंबित मांगे हैं जो भी, उसको यथाशीघ्र हल किया। 12 से 14 नवंबर तक काशी में संस्कृति सांसद का आयोजन होगा, जिसमें काशी पहुंची बीजेपी सांसद रूपा गांगुली ने ममता बनर्जी पर तंज कसा। 12 से 14 नवंबर तक काशी में सांस्कृतिक सांसद का आयोजन किया जा रहा है। इसमें शामिल होने के लिए बीजेपी सांसद रूपा गांगुली वाराणसी पहुंची हैं। सलमान खुर्शीद पुस्तक विवाद में देश के खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल जीतकर आते हैं तो सभी को खुशी होती है, मगर इसी देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देश की खुशी से खुद को जोड़ नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए ही हम लोग काशी से संस्कृति संसद का आयोजन करने जा रहे हैं। वो आए और देखें कि भारत की संस्कृति क्या है। इन बातों का जिक्र बीजेपी सांसद रूपा गांगुली ने किया। दरअसल 12 से 14 नवंबर तक काशी में सांस्कृतिक संसद का आयोजन किया जा रहा है। इसमें शामिल होने के लिए बीजेपी सांसद रूपा गांगुली वाराणसी पहुंची हैं। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए रूपा गांगुली ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनल हुड इन आवर टाइम्स पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि हम संस्कृति संसद से लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाएंगे। रूपा गांगुली ने जिक्र किया कि देश को तोड़ना और एक दूसरे के बारे में बुरा बोलना विदेशी शक्तियों को हमारे ऊपर वार करने में मदद कर रहा है। देश को बदनाम करना कांग्रेस को अच्छा लगता है तो हम क्या कर सकते हैं। जनता तक यह बात जरूर पहुंचाना चाहते हैं कि सलमान खुर्शीद को हिंदू धर्म बुरा लगता है तो उन्हें चर्चा करनी चाहिए, किताब लिखकर धर्म को बदनाम नहीं करना चाहिए। देश को तोड़ना, एक दूसरे के बारे में आपस में बुरा बोलना, ये एक ही चीज मदद कर रहा है विदेशी
शक्तियों को हमारे ऊपर वार करने में मदद करता है। देश को बदनाम करना अगर आपको अच्छा लगता है तो आप करो, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हम जनता तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं और हर एक भारतीय तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आए ना, अगर सलमान खुर्शीद जी को बुरा लगता है, उनको ऐसी किताब छपवाना पड़ता है, तो क्यों आए ना, चर्चा क्यों नहीं करते। जो विद्य जन है उनसे के चर्चा करें। तो आप ये किताब लिखकर आप देश का सम्मान घटा ये देखना चाहते हो ना, अगर इसमें आपकी खुशी है तो कोई बात। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के काशी आने के सवाल पर रूपा गांगुली ने कहा कि मैं द्रौपदी तो नहीं हूँ, पर मेरे केश द्रौपदी की तरह ही लंबे हैं। मेरे केश को पकड़कर घसीटा गया, मुझे मारा गया। वो कौन लोग थे? ये लोग ममता बनर्जी के लोग थे। एक औरत होकर आप एक औरत समेत पश्चिम बंगाल के लाखों लोगों को इसलिए अपमानित करते हैं क्योंकि वो आपके दल के नहीं है। इसी से उनका परिचय हो जाता है। कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है, यह काशी की धरती है, यहाँ सभी का हिसाब होता है। जिस द्रौपदी के किरदार निभाने के बाद आप लोग ने मुझे जाना है, मैं द्रौपदी तो हूँ नहीं, लेकिन मेरे केश भी तो लंबे थे। तो ये लंबे केश को पकड़ के जमीन पे घसीट कर मारा और मरवाया किन लोगों ने? ममता बनर्जी के लोगों ने ही ना। तो एक औरत होने के नाते एक और औरत को देश में अगर आप निग्रह करते हो और करवाते हो और लाखों लोगों को पश्चिम बंगाल में सिर्फ आपके पार्टी के नहीं है इसीलिए आप असम्मानित करते हो, तो इससे परिचय हो जाता है उनका, उनके बारे में और मैं क्या। 100 साल बाद माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति विदेश से लाया गया भारत। ये दुर्लभ प्रतिमा 14 नवंबर को श्री काशी विश्वनाथ धाम में स्थापित होगी। 100 साल बाद माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति विदेश से भारत आई है। इसे दिल्ली से रवाना कर दिया गया है जो काशी स्थित श्री काशी विश्वनाथ दरबार में स्थापित होगी। 14 नवंबर को मां अन्नपूर्णा की यह मूर्ति जौनपुर के रास्ते होते हुए वाराणसी पहुंचेगी और 15 नवंबर को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र में इसे स्थापित किया जाएगा। इसको लेकर के प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद इस मूर्ति को स्थापित करने के लिए 15 नवंबर को वाराणसी पहुंचेंगे। मां अन्नपूर्णा की चोरी हुई यह मूर्ति 100 साल के बाद वापस अपने देश और काशी पहुंचने पर काशी वासियों में खुशी का माहौल व्याप्त है। इसको लेकर के लोग वर्तमान मोदी सरकार की काफी प्रशंसा भी कर रहे हैं। वाराणसी के सिद्धगिरी बाग में सांस्कृतिक सांसद कार्यक्रम को लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता में मौजूद विद्वत जनों से लगायत यह प्रतिमा विश्वनाथ दरबार में ईशान कोण में विराजमान होने जा रही है। ईशान कोण में उसका स्थान चयन किया गया है, उस जगह पर वो माता अन्नपूर्णा की मूर्ति विराजमान होगी। हमारे काशी विद्युत परिषद के मार्गदर्शन में वहाँ के विश्वनाथ मंदिर के अर्चक जो हैं वो उसको प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे और भव्य और दिव्य ढंग से भगवती माता अन्नपूर्णा जब काशी विश्वनाथ धाम में विराजमान हो जाएंगी तो काशी वासियों का ही नहीं, देशवासियों का ही, राष्ट्रवासियों का ही सौभाग्य होगा। और ये अन्नपूर्णा देश की नहीं विश्व की माता है, क्योंकि ये विश्वम्भरा है, सबको भरण पोषण करने वाली माता अन्नपूर्णा है। उसका काशी में आना और काशी में बाबा विश्वनाथ धाम के समीप में विराजमान होना ये काशी वासियों के लिए सौभाग्य का विषय है। हम भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के रूप में देखते हैं। इस देश ने ऐसे भी दिन देखे हैं कि अमेरिका का मोथा वाला गेहूँ खाने पे और जब भूखमरी फैली तो तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने सोमवार का व्रत इस देश में रखवाया कि ये कई दिन के लिए सही अन्न बचेगा। लेकिन अन्नपूर्णा का ऐसा प्रभाव कि आज पिछले 2 वर्षों से जब से यह मूर्ति भारत सरकार को प्राप्त हुई, घोषणा हुई कागजों में कि यह मूर्ति हमें वापस मिलेगी, तब से 80 करोड़ दुनिया के 90% देशों की आबादी नहीं है। लेकिन हम 80 करोड़ लोगों को कोरोना काल में बिठा के खाना खिला रहे हैं, तो माँ अन्नपूर्णा की ही कृपा है। इसलिए अन्नपूर्णा का मंदिर विश्वनाथ जी के परिसर में पुनः प्राण प्रतिष्ठित होना भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक। और यहाँ वक्त बच रहा है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट। वी आर प्राउड टू बी अ स्टूडेंट ऑफ जेडीएसएल।
आई एम स्टूडेंट ऑफ जीवनदीप महाविद्यालय. आई एम प्राउड ऑफ महाविद्यालय फॉर एक्सेलेंट फैकल्टी, बेस्ट सपोर्ट एंड बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेस्ट प्लेसमेंट. बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट. वी आर प्राउड टू बी अ स्टूडेंट ऑफ जेडीएसएल. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. करेंगे बात आपकी, बात बना रहे. पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे. बेबाक बहस. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है. ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें. घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें. समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें. ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें. दो गज की दूरी का पालन करें. स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें. जनहित में जारी वाराणसी लाइव. सच के साथ. और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है. किशोर की हत्या के संदर्भ में निष्पक्ष जांच कराए जाने के संदर्भ में अपर पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपा रोहनिया थाना क्षेत्र के ग्रामीणों ने. किशोर की हत्या के संदर्भ में निष्पक्ष एवं समन्वयक जांच कराए जाने के संदर्भ में अपर पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया. वाराणसी के रोहनिया थाना अंतर्गत गंगापुर के निवासी दीपक उम्र 16 वर्ष गंगापुर नगर पंचायत का 5 नवंबर 2021 को निवासी की हत्या कर दी गई थी, जिसमें थाना रोहनिया वाराणसी द्वारा FIR SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत है, जिसमें अभियुक्त सूरज सिंह व टेंगरू सिंह पुत्र गाना रमेश राजस्थानी गंगापुर नगर पंचायत को बनाया गया है. शिव कुमार ने बताया कि मेरे भतीजे की हत्या पटीदार द्वारा कर दी गई है, जिसका रोहनिया थाने में कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, ना ही मुलजिम को पकड़ा जा रहा है. मुलजिम आसानी से बाहर घूम रहा है. हत्या करने के बाद भी उसे लेकर हम लोग आज अपर पुलिस आयुक्त के पास मिलने आए हैं कि मुलजिम को जल्द से जल्द पकड़कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और हम लोगों को न्याय दिया जाए. वो कह रहे हैं कि न्याय होगा, मगर कोई न्याय नहीं होगा. ये पकड़े जा रहे हैं, छोड़े जा रहे हैं. जिस दिन हत्या हुआ था फिर अधिकारी भी फिर वहाँ गए थे? हाँ, बहुत लोग पहुँचे थे. क्या बोले थे लोग? तो कहे कि न्याय मिलेगा. कोई न्याय मिलने वाला नहीं बाबूजी. गरीबों का कोई अतवा नहीं है. सरकार पट्टी चल जाए कूल मट्टी भतीजे को आपको मारने वाला कौन व्यक्ति है? ले जाने वाला बुझारत करते है. वो कहाँ कराने वाला? बुझारत और भरत दोनों जाने ले जाने वाले घर से है. वो ले जाकर वहाँ जहाँ मारा गया उसके आगे छोड़ा गया. दारू पीने के सिपाही लोग भी वहाँ गए थे. रहने वाला कहाँ का है? गंगापुर के. हमारे परिवार में भय नहीं लगता है. प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल आगामी विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतारेगा. प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप शुक्लाम ने आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि संगठन आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में प्रदेश की सभी सीटों पर प्रत्याशी, जिसमें व्यापारियों के साथ महिलाओं और युवाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी. व्यापारियों को किसी भी राजनीतिक दल ने उचित सम्मान तो दिया नहीं, बल्कि छलने का काम किया है. आज व्यापारियों की संख्या 30% से अधिक है और विधानसभा एवं लोकसभा में व्यापारी की संख्या को बढ़ावा है. इसी तरह देश में महिलाओं की आबादी 46% है और उत्तर प्रदेश विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या 5% भी नहीं है. देश और प्रदेश में जो कानून बनते हैं वह विधानसभा और लोकसभा में बनाए जाते हैं. जब चुनाव आता है तो सभी राजनीतिक दल व्यापारियों को सम्मान देने की बात करते हैं, परंतु विधानसभा में पहुंचने का मौका नहीं देते. और जब तक व्यापारी विधानसभा एवं लोकसभा में नहीं पहुँचेगा, तब तक व्यापारियों का उत्पीड़न होता रहेगा.
व्यापारियों के अधिकारों की प्राप्ति के लिए संगठन निरंतर प्रदेश में बड़ी बड़ी रैलियां, रोड शो के माध्यम से व्यापारियों की ताकत दिखाता रहा है। अब वक्त आ गया है, अब व्यापारी चुनाव मैदान में आकर विधानसभा एवं लोकसभा में पहुंचकर अपनी संख्या बल को बढ़ाएंगे। हम लोगों ने पूरे प्रदेश में सभी सीटों पे विधानसभा चुनाव में व्यापारियों को, महिलाओं को, युवाओं को लाने का प्रयास किया है। 129 सीटों पर आवेदन आ चुके हैं और हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में एक बहुत बड़ी लखनऊ में रैली करेंगे, जिसमें रैली के माध्यम से आम जनता को ये बताने का काम करेंगे कि इस हमारे समाज के लोग, व्यापारी समाज के लोग, ये जब अच्छे वर्ग के लोग, व्यापारियों के हितों की बात करने वाले, आम जनता की हितों की बात करने वाले जब चुनाव मैदान में हैं, इनको वोट करिए और विधानसभा में पहुँचाइए। और जब भी व्यापारी विधानसभा में पहुँचेगा तभी उसके हित के कानून। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद द्वारा लिखी गई किताब को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद द्वारा अपनी लिखी गई एक किताब में हिंदुत्व को ISIS से तुलना किए जाने को लेकर राजनीतिक सरगर्मी इन दिनों बढ़ती हुई है और इस पूरे मामले पर भाजपा कांग्रेस को घेरने का काम भी कर रही है। ऐसे में राष्ट्रीय संघ सेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनके कलुषित मानसिकता और दिवालीपन का परिचायक है। जो इस तरीके का काम किया गया है, कांग्रेस ने हमेशा से देश को बांटने का ही काम किया है। उनका कहना है कि ऐसे सभी लोग विकृत मानसिकता से ग्रसित हैं और देश ऐसे लोगों को जवाब देने का काम करेगी। बता दें कि इंद्रेश कुमार सिद्धगिरिबाग में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। सलमान खुर्शीद ने जो लिखा है वह उनके अज्ञान का, अंधकार का और असत्य का परिचायक है। हिंदुत्व सर्वसमावेशी था, है और रहेगा। हिंदुत्व के ऐसे बैड एलिमेंट से और बैड ऑर्गेनाइजेशन से तुलना करना उनका दिवालियापन है। वैसे भी कई नेता ऐसे हैं जब वो गुमनामी में चले जाते हैं तो कुछ ना कुछ गाली गलौज करना, अभद्र करना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक, अनसोशल करना और सुर्खियों में आना शायद उनका स्वभाव हो गया। तो इसलिए सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब लिखने से बता दिया है कि वह एंटी सोशल भी है, एंटी रिलीजन भी है, एंटी डेमोक्रेसी भी है, एंटी सेक्युलर भी है, एंटी ह्यूमन वैल्यूज भी है और एंटी नेशनल यूनिटी भी। शिवा प्रोडक्शन के बैनर तले फैशन प्रीमियम लीग का ऑडिशन हुआ जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शिवा प्रोडक्शन के बैनर तले चल रहे फैशन प्रीमियम लीग के ऑडिशन ने प्रदेश के युवाओं में तहलका मचा रखा है। लगातार विभिन्न जिलों में हो रहे ऑडिशन में युवाओं की भागीदारी बढ़ चढ़ कर हो रही है। शिवा प्रोडक्शन के डायरेक्टर विक्रांत सेठ और फैशन प्रीमियम लेग्यू के ब्रांड एम्बेसडर जया सोनी ने बताया कि हमारे इस फैशन प्रीमियम लीग के द्वारा विभिन्न शहरों की कई छिपी हुई प्रतिभाओं को स्टेज पर लाने का मौका दिया है। वाराणसी का दूसरा ऑडिशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ऑडिशन को प्रयागराज की डी स्क्वायर टीम मैनेज कर रही है और हमारे को प्रोजेक्ट हैं लिमिटलेस प्रोडक्ट हाउस, हमारे मार्केटिंग कंसल्टेंट दूरवीस राय। फैशन प्रीमियम लीग के सभी मेंबर यहां मौजूद थे। विशाल सिंह, आशीष पाल, अरविंद राठौर और हमारी फोटोग्राफी टीम से थी स्तुति कुशवाहा। विक्रांत सेठ जी ने आगे कहा कि जिन प्रतिभागियों को इस ऑडिशन शो में भाग लेना है वो मुझसे 9082120537 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इसका शो होना है 24 दिसंबर को। हम अभी ऑडिशंस हमारे चल रहे हैं, हर सिटीज़ में हम जा रहे हैं इंडिया के। अभी हमारा 4 ऑडिशन हो चुका है, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी। अभी वाराणसी में हमने री ऑडिशन ऑर्गेनाइज़ कराया हुआ है, तो इसके बाद हम और भी जगह ट्रैवल करेंगे और जो भी हमारे फाइनलिस्ट होंगे यहाँ से उन्हें हम वेब सीरीज में आगे ले जाके चांस देंगे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत, नमस्कार। सच के साथ।